नाम है। एनडीए वर्सेस इंडिया कौन आएगा 24 में? 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, निष्पक्ष, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से आएगी और हमारे लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, नौजवान के भविष्य के लिए और सनातन की जो मान सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत में ही नहीं विश्व पटल पर बनाया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे आप एक बार मौका दो, मैं मोदी जी की तरह केवल वादे नहीं करता, काम भी करता हूँ। मौका दिया था देश ने, बहुत इतने साल कांग्रेस की सरकार रही और अब की बार भी अगर मौका दे दिया ना तो जो थोड़ा बहुत ये बच रहा है, जो कब्जा करवा लिया था आस पड़ोस के देशों से, जो मोदी जी ने जमीन छुड़वाई है, ये सारे भारत को बेच देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, सबको बेच देंगे, कागजों में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। सर, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों मिलकर ये बोल रहे हैं कि इस बार अगर मोदी जी आ गए तो भैया लोकतंत्र का गला घुट जाएगा इस बार तो, और चुनाव होंगे ही नहीं आगे से। वो सही कह रहे हैं बिल्कुल कि लोकतंत्र का गला घुट जाएगा उन लोगों के लिए जो भ्रष्टाचारी हैं, वे लोकतंत्र में अपना स्थान खो देंगे, उनके लिए गला घुट जाएगा। जो ईमानदार आदमी है वो खड़ा रहेगा, चुनाव जीतेगा, लड़ेगा, जीतेगा, लड़ेगा। लोकतंत्र अगर खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र से उन लोगों को बाहर जाना पड़ेगा जो बेईमान है, देश को बेच के खा गए, गरीबों के हक को बेच के खा गए, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, कांग्रेस कह रही है ईवीएम ना होना अगर तो आ भी नहीं पाएगी बीजेपी सरकार तो। अच्छा, एक बात बताइए, जब कांग्रेस के चुनाव कहीं जीत जाती है जब तो ईवीएम कोई ख़राब नहीं होती, जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है वहां पर ही ईवीएम क्यों ख़राब होती है? अरे ईवीएम तो उस समय भी थी जब कांग्रेस जो जीतती थी। हाँ, कह रहे हैं एक दो जगह तो हारना पड़ेगा ही ना, नहीं तो बोलेंगे बिकी हुई है ईवीएम। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे ये तो कहने की बात है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी, जो दृष्टि से देख रहा है वो दृष्टि से हमारा देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कहने की बात है, जब कुछ भी नहीं होता कहने को, इस तरह की ये अफवाहें बहाने बनाते हैं अपने हार का मुंह छिपाने के लिए, कुछ बहाने तो इन्हें चाहिए। अगर सर राजनीति से हम हटके देखें थोड़ा सा, मोदी जी आपको व्यक्ति कैसे लगते हैं? मोदी जी धरातल, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन जी, जो हमारे राहुल गांधी जी हैं पप्पू बोलते हैं और वो सही बोलते हैं, कभी जो कहते हैं कि भाई आलू से सोना बना दो, और आप देखना सर्दियों में वे टी शर्ट पहन के चलते हैं, गरीब आदमियों को गुमराह करने वाली बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप हमके बीच में से जमीन के स्तर से एक गरीब परिवार से निकल के जीवन उनका संघर्ष में रहा है, उन्हें यह भी पता है कि खेती का समय कौन सा है, उन्हें मजदूरी करने का भी पता है, सभी चीज़ें पता हैं, इसलिए वे गरीब का, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति का वो दर्द आसानी से समझ सकते हैं और उसी के लिए कार्य भी करने में निरंतर लग रहे हैं। हाँ जी, केजरीवाल जी के लिए क्या राय है आपकी? केजरीवाल जी का दृश्य सभी के सामने है, भ्रष्टाचार का महल बना के खड़ा कर रखा है, जो अपना अपना आम आदमी बनाते हैं वो ऐसे महलों में रह रहे हैं जैसे कि राजा महाराजा भी ना रहे होंगे, उनके महल में जाके देखो आम आदमी की उसमें कहीं परिदृश्य कहीं है, कहीं भी नहीं है। क्या लगता है आपको, जेल चले जाएंगे? जेल जाना चाहिए, नहीं भी जाएंगे, मैं कहूँ जाना चाहिए, ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी जब तक राजनीति में रहेंगे देश का भला हो ही नहीं सकता। सर, केजरीवाल जी कह रहे हैं फंसाया जा रहा है मुझे जबरदस्ती छवि खराब करने के लिए मेरी। आप मेरी एक बात बताइए, आप भी पढ़े लिखे हो, पत्रकार बंधु बड़ी बहन, आप इस संविधान के अंतर्गत किसी को क्या बेगुनाह फंसाया जा सकता है? अगर वो वहाँ पे पेश हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कमी होगी। लेकिन सर फंसाया तो जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिका हुआ नहीं है, अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया होता तो जमानत मिलती चीज है। अगर वो गलत होंगे तो जेल जाएंगे, सही होंगे तो बच जाएंगे। इसमें बिल्कुल जो कोर्ट निर्णय लेगा उसी पे हम इसे, ऐसा जो कोर्ट निर्णय लेगा उसी को माना जाएगा। केजरीवाल जी ने जो विकास कार्य किए हैं, जैसे महिलाएं फ्री हैं बस में, बिजली पानी मुफ्त है, ये नहीं पसंद आपको? एक बात बताइए, बिजली पानी मुफ्त है, अभी बाढ़ आई थी हमने में ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई, वो मुफ्त का ही सब नतीजा था, सभी के सामने था, लोग पानी के लिए तरस गए, झाग भर रहे थे सारी हमना। हाँ, झाग मैं यूँ कह रहा हूँ, उस सड़कों पर बसे नहीं, नाव चला लो, ऐसा दिल्ली हो रहा था। अच्छा। मेरठ से हूँ मैं तो, योगी जी के प्रदेश से हूँ, और जब यहाँ आता तो ऐसा लगता था कि तुम दिल्ली में नहीं कहीं समुंदर की तरफ चले गए, यहाँ पर नाव की सवारी चलती है, ऐसा महसूस होता था। हाँ जी, क्या नाम है सर? जयप्रकाश। 2024 में कौन? 2024 में मोदी जी आएंगे। क्यों पसंद है मोदी जी? उन्होंने काम किया देश के लिए हर क्षेत्र के अंदर। क्या काम किया ऐसा? देखो, शिक्षा के अंदर काम किया, शिक्षा के उन्होंने इतने शिक्षा, बेरोजगारी में काम किया, स्टार्टअप इंडिया उसने उन्होंने लाए, आज जो भी है व्यवसायी है उसको मतलब कहीं से भी मॉर्गेज के बिना लोन मिल रहा है। मैंने फैक्ट्री लगाई है, मैंने 2 करोड़ रुपये लिए, पहले बैंक में जाते थे तो मॉर्गेज रखना पड़ता था, अब मतलब वो हमें लोन सुविधा करा रहे हैं,
सुरक्षा देख लो, आज आज देश की सुरक्षा में कितना उन्होंने सुरक्षा में काफी अच्छा काफी काम किया है सुरक्षा। दो मिनट, क्या नाम है आपका? आदिल। 2024 में कौन, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? देखो इंडिया गठबंधन ही होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं काम तो बढ़िया नहीं करते इंडिया गठबंधन वाले। मोदी जी कह रहे हैं काम बढ़िया नहीं करते, लेकिन मोदी जी क्या बढ़िया कर रहे हैं काम? मोदी जी ने तो बोल दिया कि मैं आने वाला हूँ लाल किले से, कुछ भी कर लो। हाँ वो है ना, वो बीज डाल रखा है ना एक आपस में बांटने का, वो बीज काम करता है उनका, और कोई काम नहीं करता। बीज काम करता है उनका। हाँ राहुल गांधी भी लगातार ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी वादे करते हैं केवल निभाते नहीं है, ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी जी नहीं, वो भी ठीक ही है, कोई देश को संभालने वाला ठीक नेता है नहीं। केजरीवाल जी तो हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। केजरीवाल तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है, दिल्ली का बस भैया बिजली पानी सब मुफ्त है, ठेके खुल रहे हैं फ्री में, कहाँ से आएगा वो? हम लोगों से तो जाएगा। हाँ। मुफ्त कहाँ है? अच्छा। वो सारी व्यवस्था खराब हो रही पड़ी है। अच्छा, जो ठेके खोले हैं ये काम कैसा लगा आपको? ये कुछ नहीं, दिल्ली सरकार का तो कोई काम सही नहीं है। कोई काम सही नहीं लगा। स्कूल खोले हैं तो अच्छा लगा होगा। हाँ स्कूल का है, ठीक है स्कूल का, ठीक है। ऐसी शिक्षा चाहिए है जैसे केजरीवाल ने दी है, ये रियल है, अच्छा काम है, ये अच्छा काम है। मोहल्ला क्लिनिक वो भी नहीं है, केजरीवाल जी ज्यादा कुछ जमे नहीं समाज को। मोदी जी गुजरात में क्या है, गुजरात में समाज जागरूक है, ठीक है। केजरीवाल को समाज को जागरूक बनाना है, उन्हें आदि नहीं करना। ये क्या कर रहे हैं कि ये आदि कर रहे हैं अपने, पानी मुफ्त, टिकट मुफ्त, ये कर रहे हैं। अरे आदमी को काम कर रहे हो, सब अपना अपना हिसाब संभालो, रोजगार दो, इससे अच्छा कल को दूसरी सरकार आ जाएगी फिर उन्हें मुफ्त मिलेगा नहीं, तो जनता रोएगी बैठ के, फिर सिस्टम तो बिगड़ता चला जाएगा इससे। क्या नाम है सर आपका? नहीं मैं अनपढ़ हूँ। 24 में कौन आएगा? मैं अनपढ़ हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है जी। मैं कैसे बताऊँ कि 24 में तो इतना ज़्यादा ज्ञान है आपकी, इतनी एज है हमारे से जीवन में, तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। हमको पहले पढ़ाइए, अच्छा। हमको शिक्षित कीजिए, अच्छा। तब पूछिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम 24 में कौन आएगा सर? 24 में कांग्रेस आएगा, राहुल जी आएगा। राहुल जी आना चाहिए, आना चाहिए राहुल जी। मोदी जी कह रहे हैं विकास नहीं करते बढ़िया तरीके से, राहुल जी विकास कैसे नहीं कर रहे, बहुत करेंगे कांग्रेस और क्या। मोदी जी कह रहे हैं अपने एरिया से तो हार जाते हैं, अमेठी से वायनाड से चुनाव लड़ते हैं जाके। वह हार जाते हैं ना, अब अमरी बार देखेंगे ना, अमरी बार चार राज्य में इलेक्शन हो रहा है ना। हाँ। चार राज्य में तो पता चल जाएगा मोदी जी को। मोदी जी को क्या लगता है सर, 400 प्लस आएंगी मोदी जी की सीटें की घट जाएंगी? पत्ता साफ 400 प्लस आएंगी, 400 से ऊपर। हाँ आपको क्या लगता है आएंगी मैम? 400 प्लस आएंगी जी, पत्ता साफ तो नहीं हो जाएगा? नहीं 100%। कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा। हाँ बढ़ेगा, छोड़ी करके मोदी छोड़ी करके पत्ता को बढ़ेगा, क्योंकि वो चोर तो है ही है। अगर बैलेट पेपर से हो तो और ही ज़्यादा बेहतर हो जाए। हाँ मोदी जी बढ़िया है, कांग्रेस सही नहीं हो, जैसे कह रहे थे ना पप्पू जीत जाएगा, वो सही नहीं है। चलिए दो चार लाइनों में बताइए क्यों बढ़िया है देश के लिए मोदी? मोदी जी ने विकास काफ़ी किया है उन्होंने, मोदी जी बाहर भी जाके काम कर रहे हैं देश के लिए, जगह जगह बाहर विदेश में जाके भारत के लिए कर रहे हैं वो। मोदी तो इस देश का आतंकवादी है, जितना भी हमला किया है सारा हमला तो उन्हीं ने किया है। जो पुलवामा में जो हमला हुआ वो तो मोदी अपना वोट लेने के लिए हमला किया, वोट लेने के लिए मोदी ने। हाँ आपको कैसे पता, आप थे वहाँ पर? थे, पूरा जानकारी है उसके लिए। आपको कैसे पता, आपने जानकारी ली? पता है। अरे ऐसे नहीं बोला करते जब तक पूरी जानकारी ना हो। महंगाई बढ़ गई है कि नहीं? नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी है। जो माहौल देखा है उधर महंगाई नहीं बढ़ रही, जनता को सुविधा मिल रही है, आम जनता के लिए 2.5 लाख की जो आज तक 2.5 लाख की योजना, ढाई हज़ार की योजना नहीं मिली किसी गरीब आदमी को, आज एक एक आदमी को 2.5 लाख रुपये मकान बनाने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है जी। जो रेडी पटरी वालों को, जो वहाँ के डीलर या पैसे वाले आदमी होते थे, वो 10-10% 5-5% पैसा देते थे, आज जो है वो पब्लिक को जीरो बैलेंस पे बिना ब्याज के 10-10 हज़ार रेडी पटरी वालों को दिए जा रहे हैं मोदी सरकार के माध्यम से। दूसरी बात बहन जी, आपने मुझसे कहा कि नेहरू गांधी, नेहरू के बारे में, नेहरू और जिन्ना। सर मेरा सवाल इनसे ये था, इन्होंने कहा कि वायनाड से लड़ा उन्होंने, राहुल गांधी ने जो चुनाव लड़ा, तो मेरा सवाल ये था कि वायनाड में उन्हें क्यों ज़्यादा पसंद किया जा रहा है मुस्लिमों द्वारा? देखो जी मैं इनका इतिहास उठा के देखो, नेहरू, जिन्ना और फारूक अब्दुल्ला,
तीनों की शक्ल एक जैसी मिलती जा रही है। जिन्ना को कह दिया कि तुम पाकिस्तान संभालो, मैं हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा थी हिंदुस्तान के अंदर, ब्राह्मणों का साम्राज्य था, ISPCS अधिकारी ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है, इसलिए इन्होंने अपने आगे पंडित लगाया। नहीं तो इनका परिवार सिर्फ फारूक अब्दुल्ला चाहे कोई से अब्दुल्ला रहा है, इनका जो DNA है चेक करवा लो, आज भी इनका मुझे कहना ही चाहिए DNA वही रहेगा जो पैसे बनता हुआ रहा। तो आप किसको वोट करेंगे 24? मैं देश की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, आम जनता के लिए मोदी से बड़ा विकल्प कोई नहीं है। NDA विकल्प है और एक इंडिया विकल्प है, लेकिन मोदी नाम उभर कर आ रहा है NDA से। देखो बहन जी, सबसे बड़ी बात क्या है, एक भैया जो खड़े हैं इनके बारे में भी मोदी जी सोचते हैं। अगर आप जाओ जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पेट्रोल कितना सस्ता है, आप 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं, इनको जो खाते खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड और की सुविधा, उनकी सपोर्ट चाहिए थी, गारंटी चाहिए थी, आज ये जाके जीरो बैलेंस में खाता खोलते हैं। 10,000-10,000 रुपये इन्हें जो डीलर होते थे, जो भूमाफिया होते थे, पैसे वाले थे, ब्याज पे 10% पे 5% पैसे देते थे, आज मोदी जी ने विश्वकर्मा एक योजना बनाई है जिसमें 1 लाख का लोन बिना ब्याज के मिल रहा है, बिना ब्याज के मिल रहा है। तो इन्हें उन्हें ये मतलब कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उन्हें जात पैसे से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें हर क्या कोई भी आदमी हो गरीब व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर जो बिरादरी है वो गरीब की बिरादरी है, हिंदुस्तान में बिरादरी बात ख़त्म करना है तो गरीबों को ख़त्म करना है।